आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार तिवारी है और आप सभी का बैंकिंग गाइड चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये नया चैनल हमने शुरू किया है उन सभी बैंकरों की सहूलियत के लिए जिनको समय नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, और वो किसी भी बैंकिंग टॉपिक पे अगर गहन जानकारी चाहते हों तो वो इस चैनल पे आ सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे एक अच्छी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। और आप उसको देखेंगे वीडियो तो आपको सच में लगेगा, और अगर सच में आपको पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आने वाले जो प्रमोशन एक्सरसाइजेज है उसमें भी काफ़ी काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2016 में ये एक्ट आया, और इसमें क्या मंशा थी सरकार की वो हम धीरे से देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में लाया गया फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, जो अब तक इंडिया में नहीं था। थे कुछ चिटमुट छोटे मोटे एक्ट थे, लेकिन इस तरह का एक बड़ा लेजिस्लेशन जो सारे कॉरपोरेट इंडिविजुअल सबको कवर करता हो, ऐसा लेजिस्लेशन नहीं था। तो ये एक बहुत ही बड़ी, एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन बैंकों के लिए है, और इससे काफ़ी बैंकों को लाभ भी हुआ है। जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है काफ़ी फास्ट हुआ है और काफ़ी रिजल्ट्स भी आए हैं। इवन दो जो इनिशियल जो इसके रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा उसमें मतलब हेयर कट हुए हैं, करीब जो एवरेज हेयर कट देखा गया इसमें 80% तक गया है। बट स्टिल वी आर होपिंग कि जो क्योंकि पीछे के अकाउंट्स में हेयर कट बहुत ज़्यादा इसलिए हुए हैं कि एक बार कंपनी बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, फिर उसमें बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन आगे जब हम टाइमली रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो इतने हेवी हेयर कट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आने वाले दिनों में बैंकों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो सबसे पहला तो इस एक्ट में जो डिपार्चर देखा गया कि पहले डेटर इन पोजीशन, मतलब जो कर्जा लिया वही एक तरीके से कंट्रोल रखता था, ज़्यादा बैंक उसके उसका कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि कोर्ट में गए, कोर्ट में लंबे समय तक केस चल रहे हैं और ज़्यादा बैंक कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब ये जो रेजिम आया है ये क्रेडिटर इन कंट्रोल रेजिम है, मतलब जिसने कर्जा दिया है, जिस बैंक ने कर्जा दिया है, अब उसका कंट्रोल होगा, वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ये मैंने कहा कि कॉरपोरेट और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए लाया गया है, लेकिन अभी जो लागू किया गया है वो कॉरपोरेट पर्सन्स के लिए लागू किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर 2016। तो 1 दिसंबर 2016 से कॉरपोरेट पर्सन्स के लिए लागू है। कॉरपोरेट पर्सन्स कौन है हम आगे देखेंगे। फिर 1 दिसंबर 2019, मतलब इसके 3 साल बाद, ठीक 3 साल बाद, पर्सनल गारंटर्स टू कॉरपोरेट डेटर्स, कभी कभी आप ये वर्ड कॉरपोरेट पर्सन्स देखेंगे या कॉरपोरेट डेटर्स, जब वो कर्ज ले लेते हैं तो कॉरपोरेट डेटर हो जाते हैं, अन्यथा वो कॉरपोरेट पर्सन होते हैं। तो जो चूंकि हम लोग ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली इसमें जो कॉरपोरेट्स कर्ज लिए होंगे वही आएंगे, तो इसीलिए कॉरपोरेट डेटर्स वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल आप देखेंगे होगा। तो कॉरपोरेट डेटर्स के जो गारंटर्स है, पर्सनल गारंटर्स है, उनमें भी ये कोड 1 दिसंबर 2019 से लागू कर दिया गया। अब इंडिविजुअल्स के लिए क्या स्थिति है, तो इंडिविजुअल्स के लिए येट टू बी नोटिफाइड, मतलब अभी ये एक्ट लागू नहीं है। अब देखते हैं कि कितने अमाउंट तक, तो पहले तो इसका अमाउंट काफ़ी कम था, 1 लाख रुपये था, लेकिन 24 मार्च 2020 से इसका जो मिनिमम डिफ़ॉल्ट अमाउंट है, ये मिनिमम डिफ़ॉल्ट अमाउंट को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया, जिसको कि मैंने यहाँ पे जो फिगर्स में लिखा है 10 मिलियन लिखा, तो ये 10 मिलियन कर दिया गया स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 24, 2020। तो मिनिमम डिफ़ॉल्ट अमाउंट, मतलब किसी कॉरपोरेट ने अगर बैंक से कर्जा लिया है और 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तभी इस प्रोसेस में
जा पाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट पर्सन मैंने कहा था आगे बताएंगे, तो कॉर्पोरेट पर्सन कौन है? कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब दोस्तों सीधा सीधा होता है कि कोई कंपनी या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो कंपनी नॉर्मली जो है कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में इनकॉर्पोरेट होती है, या फिर कोई भी पर्सन जो इनकॉर्पोरेटेड हो विथ लिमिटेड लायबिलिटी वो इसमें आएगा। लेकिन नॉर्मली हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो ये दो ही तरह के कॉर्पोरेट पर्सन आपको मिलेंगे। अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर रूल्स एम्पावर, अब इसमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर रूल्स इसमें है जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि इन केस देयर इज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर उसका डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट उसमें CIRP कमेंस करने के लिए, ये CIRP का क्या फुल फॉर्म है ये भी हम आगे देखेंगे, IBC के तहत गवर्नमेंट अलाउ करती है। और हमारे देश में पहली बार जो है एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन था उसका जब डिफॉल्ट हुआ तो उस पर फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ IBC, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था कि इस पर आप जो है IBC के तहत कार्रवाई कीजिए। अभी IBC इंफ्रास्ट्रक्चर के चार मेजर पिलर्स हैं, और वो चार मेजर जो पिलर्स हैं वो हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी पहला। तो इसके तहत एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की परिकल्पना की गई है कि जो इसके सारे कौन होगा, तो इट इज़ अ बॉडी फॉर एनरोलिंग एंड रेगुलेटिंग द IPs एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज दैट कंडक्ट द IBC प्रोसेस। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज जो IBC प्रोसेस को कंडक्ट करेंगी उनको एनरोल और रेगुलेट करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बनाई गई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अभी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का फंक्शन क्या है? इट इज़ रिपोजिट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोजिट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट विल कलेक्ट, कोलैट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, लिक्विडेशन एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स। अब इसमें क्या है कि जैसे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो तीसरा पिलर है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसमें कौन है IBC में, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो एक नई एंटिटी इसमें बनाई गई जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट में NCLT कहते हैं। तो NCLT का गठन किया गया। अभी ये जो NCLT है चूँकि एक ट्रिब्यूनल है तो ये किसी के बात पे तुरंत भरोसा ऐसे ही नहीं कर सकती, इसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कौन देगा? तो आप देखिए ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का काम है। मतलब NCLT इन्फॉर्मेशन के लिए किस पे डिपेंड होगा? तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी पे डिपेंड होगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का फंक्शन है। तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो ये आपको एक जनरल नॉलेज पर्पस के लिए याद रखना चाहे तो कर सकते हैं कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड वॉज द फर्स्ट IU, ये सितंबर 2017 में एस्टेब्लिश हुई थी। और चौथा जो पिलर है, अच्छा इसमें NCLT तो हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, लेकिन अगर मान लो NCLT के फैसले से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, उसको लगता है कि नहीं हमारे खिलाफ फैसला जो किया गया है वो गलत है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा NCLAT के पास, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। और वहाँ से भी वो संतुष्ट नहीं होगा तो नेचुरली हमारे देश का जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो वहाँ जा सकता है अपील लेके। तो ये तीन लेयर बनाए गए हैं, पहला लेयर है NCLT, दूसरा लेयर है NCLAT, और फिर तीसरा लेयर तो सुप्रीम कोर्ट है। और इसके बाद जो चौथा पिलर है इसमें IBC इंफ्रास्ट्रक्चर में वो है IBBI, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ दिस IBBI विल एक्ट एज रेगुलेटर, तो ये रेगुलेटर का काम करेगा। तो फ्रेंड्स यू कैन सी देयर आर ओवरऑल फोर पिलर्स इन IBC इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स। कौन कौन से?
इन्फो एम्बुलेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विच इज NCLT एंड देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एज रेगुलेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? RBI है। ऐसे ही IBC के लिए सारे चीजों का रेगुलेशन कौन करेगा? IBBI करेगा। नाउ कमिंग टू कॉरपोरेट डेटर्स, मैंने कहा ना कि जो कॉरपोरेट्स जो लोन ले लेते हैं वो डेटर्स हो जाते हैं, तो कॉरपोरेट डेटर्स के पास ऑप्शंस क्या क्या है? तो उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, जो CIRP के थ्रू होगा। CIRP का फुल फॉर्म क्या है? कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन उनके पास है वो लिक्विडेशन। अगर ये फेल हो गया, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन नहीं हो पाया, देन द सेकेंड वन विल अप्लाई विच इज लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो ये है दो ऑप्शंस। नाउ कमिंग टू फ्लो चार्ट फॉर CIRP। CIRP मैंने क्या बोला? कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अभी इसमें क्या है? तो सबसे पहले इसका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? तो एप्लीकेशन टू AA। AA इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो उनको एप्लीकेशन दिया जाएगा किसके लिए? CIRP के लिए, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कमेंस करने के लिए। वो एप्लीकेशन अभी जैसे कोई बाकी कोर्ट करते हैं, वैसे NCLT भी चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। रिजेक्ट कर दिया तो बात वहीं ख़त्म हो गई। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने के बाद ये तीन चीज़ें होंगी। पहला चीज़, NCLT क्या करेगा? मोरेटोरियम लगा देगा। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि अब उस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन अब बैंक नहीं ले पाएंगे जब तक कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है, CIRP चल रहा है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो दूसरा काम NCLT करेगा, IRP का अपॉइंटमेंट करेगा। और तीसरा, चूंकि वो एक्सेप्ट हो गया तो CIRP विल कमेंस। सो नाउ आफ्टर दैट देर इज पब्लिक अनाउंसमेंट, कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, COC, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल अपॉइंट RP। नाउ फ्रेंड्स, यू विल थिंक दैट हियर ऑलरेडी IRP इज अपॉइंटेड, देन अगेन व्हाट इज दिस RP? This is appointed by NCLT, which is called interim RP, and this interim RP will be finally, अगर वो चाहे committee of creditors तो वो interim RP को ही final RP बना दे, resolution professional, या वो चाहे तो change भी कर सकते हैं। Now once RP is appointed, तो resolution professional क्या करेगा? वो resolution plan submit करेगा किसको? कमिटी ऑफ क्रिएटर्स को। नाउ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स कैन रिजेक्ट द प्लान। सो प्लान नॉट अप्रूव्ड बाई COC, तो क्या होगा? इट द एप्लीकेशन विल गो टू NCLT एंड देन इट विल गो फॉर लिक्विडेशन। जो मैंने आपको बताया दो ऑप्शन है, तो क्या होगा? कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी अगर इन रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ। तो अगर अप्रूव करने के लिए क्या करना होगा? तो 66% मेजोरिटी बाई वैल्यू, मतलब बाई अमाउंट, जो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स हैं उनका जो 66% बाय वैल्यू, उनका जो फाइनेंस जो किया होगा, उन्होंने अलग अलग किए होंगे। मान लो कोई 2000 करोड़ का फाइनेंस है, तो किसी का 500 करोड़ होगा, किसी का 200 करोड़ होगा, किसी का 1000 करोड़ होगा। तो 66% बाय वैल्यू अगर मेजोरिटी कमिटी ऑफ क्रिएटर्स जो है एग्री हो जाते हैं प्लान पे, देन द प्लान इज अप्रूव्ड। तो वंस द प्लान इज अप्रूव्ड, देन अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान बाई NCLT, तो NCLT फिर उसको अप्रूव कर देगी एंड देन द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, राइट फ्रॉम एप्लीकेशन टू NCLT टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान और लिक्विडेशन। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट, अभी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में जैसा हमने देखा, वो सेक्शन 6 के तहत आता है कि जो इफ अ CD कमिट्स अ डिफॉल्ट, CD कौन? कॉरपोरेट डेटर। तो कॉरपोरेट डेटर जब डिफॉल्ट करेगा तो NFC, अब इसमें कौन कौन कर सकता है एप्लीकेशन? तो FC मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर,
ओसी मतलब ऑपरेशनल क्रिएटर। ऑपरेशनल क्रिएटर कौन होता है? कोई कंपनी बिजनेस करती है तो उसके जो सन्ड्री क्रिएटर्स होते हैं, जो उनको उधार पे सामान देते हैं, वो ऑपरेशनल क्रिएटर हुए। तो फाइनेंशियल क्रिएटर कौन हुआ? बैंक। ऑपरेशनल क्रिएटर हो गया उसके जो उधार पे सामान देते हैं। और दी कॉरपोरेट एप्लीकेंट इट्सेल्फ मतलब वो कंपनी खुद। तो कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है एनसीएलटी को सीआईआरपी स्टार्ट करने के लिए? तो चाहे तो फाइनेंशियल क्रिएटर मतलब बैंक, या ऑपरेशनल क्रिएटर यानी जो उसने जिसने उस कंपनी को उधार दिया है। जो आप ऑपरेशनल क्रिएटर का अगर एग्जांपल चाहिए तो रिलायंस के खिलाफ जो है वो ऑपरेशनल क्रिएटर ने एक एप्लीकेशन किया था रिलायंस अंबानी कंपनी के, अनिल अंबानी कंपनी के खिलाफ। एंड देन कॉरपोरेट एप्लीकेंट इट्सेल्फ, सो मे इनिशिएट सीआईआरपी फॉर द सीडी। तो ये तीन लोग कर सकते हैं, एफसी और फाइनेंशियल क्रिएटर, ऑपरेशनल क्रिएटर और कॉरपोरेट एप्लीकेंट। फिर डिफॉल्ट का क्या मतलब है? डिफॉल्ट का मतलब हो गया कि नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन द होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेट हैज बिकम ड्यू। यहाँ मतलब ये है कि अगर एक इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो गया तो इसको हम डिफॉल्ट मान सकते हैं और इस प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू सीआईआरपी शुरू कैसे होगा? तो इट विल स्टार्ट विथ ऑर्डर फ्रॉम एए, मतलब जो एनसीएलटी है वो जब ऑर्डर कर देगी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी, देन द सीआईआरपी विल स्टार्ट। देन डेट ऑफ दिस ऑर्डर इज द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो जिस दिन एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन, तब से वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट गिना जाता है। ये डेट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस प्रोसेस में टाइमलाइंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनली मैंने यही कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया सरकार के द्वारा, इसके पीछे जो मूल उद्देश्य था कि जो हमारे एसेट्स हैं कंट्री के, वो क्या होता है, अब डिफॉल्ट हो गई कंपनी बंद पड़ी है, न जो ओरिजिनल ओनर है वो चला रहा है, न कोई और चला रहा है, और कंपनी पड़े पड़े सारे एसेट्स जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप देखिए जेट एयरवेज में क्या हुआ, जेट एयरवेज बंद हो गई है, उसमें एनसीएलटी प्रोसेस चल रहा है, तब तक तो सारी उसकी जो फ्लाइट हैं, सारे जो उसकी बसेस हैं, जितनी एसेट्स हैं ऐसी सब जगह पड़ी हुई है। लेकिन अब अगर पहले का दौर होता तो पता नहीं कितने साल तक कोर्ट केस चलता रहता और ये सारी चीज़ें सड़ के ख़त्म हो जाती, करोड़ों के एसेट्स ख़त्म हो जाते। लेकिन अब क्या है कि इसमें टाइमलाइंस दे दिए गए हैं, तो इसीलिए कमेंसमेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइमलाइंस भी हम आगे देखेंगे क्या दिए गए। फिर क्या होता है कि एडमिशन हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी के द्वारा, तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन वंस द प्रोसेस स्टार्ट्स द पावर्स ऑफ एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सस्पेंडेड, तो तुरंत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर सस्पेंड कर दिया जाता है। और क्रेडिटर अप्रूव्ड आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी जिसको कहा जाता है, उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। एंड नाउ ही विल मैनेज द कॉरपोरेट डेटर, मतलब उस कंपनी को मैनेज जो है अब आईपी करता है, ठीक है, या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसको आरपी बोलते हैं। एंड ये जो आईपी है इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल, मतलब अब ये कंपनी किसका कंट्रोल में आ गई, तो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के कंट्रोल में आ चुकी है, इसीलिए इसको क्रेडिटर इन कंट्रोल रेजिम कहा जाता है। जब से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एनसीएलटी में केस एडमिट हो गया, तब से ये पूरी की पूरी कंपनी जो है एक तरीके से कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के कंट्रोल में आ जाती है। नाउ फ्रेंड्स लेट अस सी द टाइमलाइंस। In all cases where application to initiate CIRP is filed, IBC provides that AA, मतलब NCLT, adjudicating authority, should admit it within 14 days of receiving the application. तो NCLT को भी 14 दिन का ही समय दिया गया है कि भाई 14 दिन में आप हाँ या ना कर दो, ठीक है। फिर CIRP process starts on the date the application is admitted, तो CIRP application start date हो जाएगा, कमेंसमेंट डेट हो जाएगा, जिसको आईसीडी बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और वहाँ से सेक्शन 12(1) कहता है कि इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज
ऑफ द कमिशमेंट, मतलब मोटा मोटा 6 महीने में ये सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन नेचुरली आपको पता है कि डिलेज होते हैं कोर्ट केसेस में, तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है कि अगर डिले होगा तो फर्दर 90 डेज और एक्सटेंड हो सकता है, वो भी 66% वोटिंग शेयर्स ऑफ सीओसी अगर चाहेंगे तो, ठीक है। एंड दिस एक्सटेंशन कैन बी गिवन ओनली वंस। सो नाउ 180 डेज प्लस 90 डेज इज 270 डेज। नाउ आफ्टर दिस अनदर सेक्शन वाज एडेड, जिसमें क्योंकि देखा गया कि फिर भी इतना करने के बाद भी एक एक साल के ऊपर जा रहे थे केसेस, तो फिर एक गवर्नमेंट ने नया सेक्शन ऐड किया 12(3), जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि 330 दिन से तो किसी हाल में एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। तो 330 डेज इज नाउ ओवरऑल टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द सीआईआरपी। सो दिस इज द टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द सीआईआरपी। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस, दिस इज द ओवरऑल आईबीसी इन शॉर्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। Thank you.